हेलो फ्रेंड्स, मैं जोतरानी स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्रानी क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, फटाफट बात कर लेते हैं आज की न्यूज़ को लेकर के, जो कि आपका 8 दिसंबर को सीटेट का पेपर हुआ था उससे रिलेटेड है। सीटेट का पेपर वायरल, दो गिरफ्तार। तो आइए जानते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का पेपर परीक्षा से 1.5 घंटे पहले ही व्हाट्सएप पर वायरल हो गया। इस मामले में एसटीएफ ने 2 परीक्षार्थियों को कानपुर के चकेरी से गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ में खुलासा हुआ कि उन्हें पर्चा प्रयागराज के बीटीसी संघ के नेता आलोक सेंगर ने उपलब्ध कराया। आप देख सकते हो कि बीटीसी संघ के नेता हैं और ये पर्चा लीक कराने का भी काम कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है, जिसमें वहीं का उसका एक साथी प्रिंस भी शामिल है। इस जानकारी के बाद दोनों की तलाश में जिले में छापेमारी शुरू हो गई। एसटीएफ कानपुर इकाई के इंस्पेक्टर घनश्याम यादव ने बताया कि पुख्ता साक्ष्य जुटाने के बाद सब्जी मंडी रामा देवी से गणेश नगर रेडहर जालौन निवासी धीरज त्रिवेदी उर्फ गोपाल व गालमपुरा माघोगढ़ जालौन के चंद्रपाल उर्फ जीतू को गिरफ्तार किया गया है। धीरज जालौन के जगतमपुर में स्थित पंडित परशुराम द्विवेदी महाविद्यालय का प्रबंधक है। तो आप देख सकते हो कॉलेज के प्रबंधक भी ये सब काम कर रहे हैं, जबकि चंद्रपाल इसी कॉलेज से बीटीसी कर रहा है। पूछताछ में धीरज ने बताया कि पर्चा लीक प्रयागराज के बीटीसी संघ नेता आलोक सेंगर ने उससे 5 लाख की डील की थी। रविवार को परीक्षा से ठीक 1.5 घंटे पहले उसने ही दोनों को पास पर्चा भेजा। एसटीएफ का कहना है कि जांच में यह बात सामने आई है कि लीक हुए पर्चे को धीरज ने अपने कॉलेज के अन्य छात्रों के पास भी भेजा, उनका भी पता लगाया जा रहा है। एसटीएफ के एसएसपी राजीव नारायण मिश्र के मुताबिक गिरोह का जाल प्रदेश भर में फैला हुआ है। प्रयागराज निवासी मुख्य सरगना व उसके साथी भी गिरफ्तार के प्रयास में किए जा रहे हैं। आशंका है कि अभी बड़े खुलासे होंगे। तो आशा करता हूँ कि पेपर लीक तो हो गया था पहले ही 1.5 घंटे, लेकिन पेपर को फिर से ना कराया जाए, क्योंकि कई लोगों का, कई बच्चों का करियर है इससे। तो अगर ऐसे में पेपर फिर से कराया जा रहा है तो पेपर होने में काफ़ी सारी चीज़ें काम करती हैं, पेपर अच्छा या बुरा होने में। तो अगर जिसका अच्छा गया है अगर फिर से कराया जाए तो उनको भी बुरा लगेगा, और कहीं ना कहीं जो गलत भी है कि अगर गलती किसी ने की है और उसकी सज़ा सबको मिले तो ये भी गलत है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और आप सब अपनी UPTET की परीक्षा की तैयारी अच्छे से करिए। इससे रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज़ कभी भी मुझे मिलती है तो मैं तुरंत आप सबसे शेयर ज़रूर करूँगा। थैंक यू।